आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। एक ऐसा चैनल जिसमें वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, लेकिन बहुत ही सरल भाषा में, तर्कों के आधार पर लॉजिकली आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। आज हम बात करेंगे कॉर्नर प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉर्नर प्रॉपर्टीज में एक प्लॉट भी हो सकता है, कॉर्नर का एक घर भी हो सकता है, और एक सोसाइटी में कॉर्नर का फ्लैट भी हो सकता है। कॉर्नर प्रॉपर्टीज हमेशा मार्केट में बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड रहती है और ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं अन्य प्रॉपर्टीज से। अगर हम कॉर्नर प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक सोसाइटी में अगर फ्लैट है कॉर्नर का, तो बिल्डर उसका एक अच्छा खासा प्रीमियम चार्ज करता है, और प्लॉट या कोठी की बात करें तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम होता है अन्य प्रॉपर्टीज़ के मुकाबले। कहने का अर्थ ये है कि कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, और महंगी क्यों ना हो, उनकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा होती है मार्केट में। सभी लोग कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ में 75% प्रॉपर्टीज़ वास्तु अनुकूल नहीं हैं, खराब हैं। सिर्फ 25% प्रॉपर्टीज़ जो कॉर्नर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वास्तु अनुकूल हैं, ज़बरदस्त होती हैं, बहुत अच्छी मानी जाती हैं, और उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स उस घर में रहने वाले लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। तो कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ जो 75% प्रॉपर्टीज़ जो वास्तु अनुकूल नहीं हैं, उनका प्रीमियम क्यों दें, ज़्यादा पैसे क्यों दें? प्रीमियम ज़्यादा पैसे देना तो बहुत दूर की बात है, उसको लेते समय भी आपको 10 बार सोचना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो एक वास्तु एक्सपर्ट को दिखा के, समझा के, समझ के ही ऐसी प्रॉपर्टी आप लें, अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ कितनी प्रकार की होती हैं और कौन सी कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ अच्छी हैं, वास्तु अनुकूल है, कौन सी कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ खराब मानी जाती हैं, और 75% जो मैं बात कर रहा हूँ कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ की जो खराब मानी जाती हैं वो क्यों हैं। इन सभी को आज हम बहुत ही डिटेल में डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये एक कॉलोनी है जिसमें ये अलग अलग प्लॉट्स हैं। कॉलोनी के चारों ओर आप देख सकते हैं ये रोड हैं। अगर हम इसको एक सोसाइटी माने तो ये सोसाइटी की अलग अलग ये टॉवर हुए। पहले हम बात करते हैं कि इसमें कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। आप इसमें देखिए, कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ हम उसको बोलते हैं जिसके दो साइड ओपन होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है, इसके ये दो साइड रोड है, ये ओपन है। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 9 ये भी कॉर्नर प्रॉपर्टी है, इसकी दो साइड ये ओपन है। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये भी कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इसके दो साइड ये ओपन है। और प्रॉपर्टी नंबर 1 ये भी कॉर्नर प्रॉपर्टी हुई, इसके दो साइड ये ओपन है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं 4 कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ हैं, 3, 9, 7 और 1। पहले हम बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ कितने प्रकार की होती हैं। कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ वास्तु के अनुसार 4 प्रकार की होती हैं। पहला आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, इसकी नॉर्थ और ईस्ट ओपन है, नॉर्थ ईस्ट इसका ओपन हुआ, तो इस तरह के कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट या प्रॉपर्टी। दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी आप देखिए वो 9 है, यहाँ पे इसकी ईस्ट और साउथ ये दो साइड्स ओपन हैं, और साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण इसका ओपन है, तो इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टीज़। तीसरे प्रकार की प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है, इसमें साउथ और वेस्ट ओपन है, साउथ वेस्ट इसका ओपन हुआ, इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर प्लॉट या प्रॉपर्टी। और चौथी और आखिरी प्रकार की प्रॉपर्टी जो वास्तु के अनुसार होती है वो है प्रॉपर्टी नंबर 1, जिसमें वेस्ट और नॉर्थ दो साइड ओपन है, यानी इसका नॉर्थ वेस्ट ओपन है, इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टीज़। तो 4 प्रकार के वास्तु के अनुसार कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इन चारों प्रकार की प्रॉपर्टीज़ में से कौन सी शुभ हैं, कौन सी अच्छी हैं, कौन सी खराब है, जैसे मैंने कहा 75% कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ खराब होती हैं, अब हम इसको समझते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ की।
वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा शुभ, बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई है। इस तरह की प्रॉपर्टीज में रहने वाले लोग बहुत ही स्वस्थ रहते हैं, बहुत ज़्यादा उन्नति करते हैं और अपने जीवन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, कंटेंट और खुश रहते हैं। कहने करती है कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग जीवन में हमेशा खुशहाल रहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छी है, वास्तु अनुकूल है। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ की, जो कि आप देख सकते हैं ये प्लॉट साउथ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट है जिसमें ईस्ट और साउथ ओपन है। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें रहने वाले लोग जो होते हैं वो आपस में, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस बना रहता है, आपस में मेल जोल उनका घर में नहीं रहता है और धन से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याएं इस घर में रहने वाले लोगों को अपने जीवन में देखने को मिलती हैं। तो साउथ ईस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टी वास्तु के अनुसार नहीं है, ये ठीक नहीं मानी गई है। तीसरे प्रकार की प्रॉपर्टीज़ जो साउथ वेस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें साउथ और वेस्ट ओपन हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में जो लोग रहते हैं उसमें जो घर का मालिक है या जो घर का सबसे बड़ा बच्चा है उसको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलता है। जीवन में हमेशा इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, वो हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है, उसका जीवन उथल पुथल वाला बना रहता है। तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है अगर हेड ऑफ़ द फैमिली या घर का सबसे बड़ा बच्चा ही अपने जीवन में अस्थिर है तो कैसे घर में खुशहाली आ सकती है। तो इस तरह के प्रॉपर्टी साउथ वेस्ट कॉर्नर प्लॉट वास्तु के अनुसार नहीं ठीक माना जाता है, ये वास्तु अनुकूल नहीं है। चौथी और आखिरी अगर हम कॉर्नर प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टी जिसमें नॉर्थ और वेस्ट ओपन है, इस तरह की कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ में जो लोग रहते हैं उनमें एडिक्शंस यानी कि लत, जैसे कि शराब की लत हो गई, गलत संगति की लत हो गई, इस तरह के एडिक्शंस में ये लोग लिप्त हो जाते हैं। इस तरह से उनका जीवन एक तरह से हम कह सकते हैं संघर्ष में रहता है क्योंकि एडिक्शन की उनको बीमारी लगने की बहुत ज़्यादा यहाँ संभावना बनी रहती है। मन में बहुत गलत विचार आते रहते हैं, इस घर में जो भी लोग रहेगा उसका मन हमेशा अस्थिर रहेगा, मन हमेशा चलायमान रहेगा, कभी ठीक सोच रहा है, कभी गलत सोच रहा है, कभी डिप्रेशन में आ गया, मन से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानियाँ रहेंगी, कलह सी बनी रहेगी। तो नॉर्थ वेस्ट प्रॉपर्टी भी वास्तु अनुकूल नहीं है और इस तरह के कॉर्नर प्लॉट्स भी आप लें तो उससे पहले आप 10 बार सोचें। तो चार तरह के हमने देखा कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ ही वास्तु अनुकूल मानी गई हैं, जबकि तीन अन्य प्रॉपर्टीज़ साउथ ईस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टीज, साउथ वेस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर प्रॉपर्टीज ये वास्तु अनुकूल नहीं है। तो आप देखिए चार में से सिर्फ एक ही वास्तु अनुकूल है। तो आप देखिए 75% जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वास्तु अनुकूल नहीं है कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ में। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में अगर आप लेने की सोच रहे हैं और इसमें पैसे भी आपको नेचुरली ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि कॉर्नर की प्रॉपर्टीज़ है, तो आप इनको ना लें। इस तरह की प्रॉपर्टी ही आप सिलेक्ट करें और ये प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी अन्य प्रॉपर्टी लीजिए जो कॉर्नर प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दूसरे लोगों से भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि जो मेरे वीडियोज़ अपलोड होते हैं उनकी सूचना, उनकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगीं तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।